2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਮੰਡੀ ਅਰਨੀਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। इस दौरान बीबा हरसिमरत कौर बादल ने अपने संबोधन दे विच कहा कि सुखबीर सिंह बादल सूबे दे मुख्यमंत्री नहीं सेवादार बन के काम करनगे। उत्थे उन्होंने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार वालों लोगों को जो सहूलतां दित्तियां गईयां सन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दित्तियां। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने वादे तक ही पूरे करने से उल्टा उन्होंने लोगों को दित्तियां गईयां सहूलतां भी बंद कर दित्तियां ने। उदे श्रोमणी अकाली दल के 100 साल की शताब्दी से हुए इकट्ठ से बीबी हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लोगों के इकट्ठ ने साबित कर दिता कि अकाली दल उन्होंने कितनी चहेती पार्टी है। 100 साल पूरे हुए ठाठा मारदा इकट्ठ जिहड़ा उत्थे सीगा तुसीं सारे वधाई दे पात्र हो। 100 एकड़ जमीन च पैर रखण दी थां नहीं सी ते सड़कां भावें खब्बे पासे होण भावें सज्जे पासे होण 50-50 किलोमीटर भरियां पईयां सी। लोकी 10-10 किलोमीटर तुर के भी नहीं पहुंच सके ते इह सारा संकेत दिंदा है कि जिस तरह का उत्साह सारे पार्टी दे वर्करां दे विच है। दूजे वधाई दे पात्र जिहड़े बहुत बखूबी दे नाल बड़ी कामयाबी दे नाल साल भर का किसानी संघर्ष तुसीं सारे लड़ के आए हो ते केंद्र दी सरकार नूं हुकूमत नूं झुकना पिया साडे किसानां दे अगे। मैं कहिंदे तुसीं सारे इस चीज़ दे भी वधाई दे बहुत वड्डे पात्र हो क्योंकि बहुत वड्डी कुरबानियां ते बहुत वड्डी लड़ाई जिहड़ी तुसीं लड़ी है इह सारा कुछ दा जिथे सिरा साडे सूबे दे साडे देश दे किसानां नूं जांदा है उत्थे आपां याद करिए उह 700 शहीदां नूं जिन्होंने अपनी जाना तक कुर्बान कर दिया इस लड़ाई से फतेह हासिल करने वास्ते। हमेशा उन्होंने याद रखांगे ते नमन करते रहांगे। परमात्मा करे थोड़े आशीर्वाद नाल साडी सरकार बने। मैं तो जरूर सुखबीर जी नूं कहांगी कि शंभी बॉर्डर च एक स्मारक लगाया जाए उत्थे उन्होंने यादगार दे वजों जिन्होंने अपनी जान शहीद करती ते जिस तरह का भाईचारिक सांझ आपां नूं देखण नूं मिलिया भावे साडे हरियाणे दे भरा होण भावे राजस्थान दे होण या देश दे वख-वख कोने तों आए एक तरीके दे नाल जिहड़ी ताकतां ने लोकां नूं लड़ा के पढ़ा के धर्म दे ते सूबिआं दे आधार च लड़ाउण दी कोशिश कीती लोकां ने इह सारी चीज़ां तों उपर उठ के इहो जिही भाईचारिक सांझ दिखाई जिहड़ा मैं समझदी हां कि आने वाली पीढ़ी वास्ते एक बहुत वड्डी सेध हो सकदी है। अज जिवें सुखबीर जी कहिंदे ने कि हुण कुछ ही घंटे रह गए ने 300-350 घंटे रह गए एक बार फिर चोणां दा बिगुल वज्जूगा 10 दिन रह गए ने तुसीं एक बार फिर नवीं सरकार बनानी है ते मैनूं इस गल दा पूरा एहसास हैगा कि अज हर वर्ग सड़कां ते उतरिया होया है इस झूठी सरकार दे खिलाफ ते सोचदे ने कि लोकां दी अक्खां च धूल झोंक सकदे ने एक मुख्यमंत्री नूं ला के सारे इल्जाम ओहदे नाल ला देईए ते नवां मुख्यमंत्री आपदी गल्लां बातां दे नाल ही लोकां नूं बहला दूगा। लेकिन नहीं जिन्हां जिस पार्टियां ने गुटका साहब दी सौहां तुहाडे अक्खां दे सामने खादियां झूठे लारे लाए झूठे वादे दित्ते ते एक भी वादे च पूरे नहीं उठे भावें साडे गरीबां नूं पुछ लो भावें साडे किसानां नूं पुछ लो या साडे नौजवानां नूं पुछ लो एक चीज नहीं आपां कह सकदे कि 5 साल निकल गए लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने साडी आ तकलीफ घटाई। घटानी तां की सीगी बादल साहब जिहड़ी चीजा देंदे सी ओह भी साडे तों खोह लिते साडे किन्ने गरीब परिवार ने बादल साहब दे दित्ते होए आटे दाल दे कार्ड कट लिते किन्ने सारे साडे गरीब हैगे जिन्हां नूं शगन मिलदा सी धी दे विआह ते ओह शगन दी स्कीम रद्द करते साडे बुजुर्गां दी पेंशनां तक रोक दित्तियां ते गल्लां इन्नियां वड्डियां वड्डियां करदे सी कि तुहाडे जवाकां नूं घर घर ताईं नौकरी दे दांगे कर्जे माफी कर दांगे पेंशन नूं दुगनी कर दांगे बेरोजगारी भत्ता मोबाइल फोन कोई एहो जिहा वादा नहीं छड्डिया। सरकार बनाउण वास्ते लोकां दा विश्वास दे नाल जिस तरह दा विश्वास घाट कीता मैनूं लगदा है कि आउण वाली चोणां च इहनां सारी चीज़ां दा जवाब लोकी लैणगे ते नवें मुख्यमंत्री साहब बड़ी आस सीगी सानूं कि कहिंदे ने गरीब परिवार तों आए ने ते गरीब ही देखण दे नाते अज सूबे दे गरीबां दे हालात समझणगे जद इत्थे लख तोड़ महंगाई खान पीन दी चीजां किन्नी महंगियां होईयां होईयां ने तुहाडा तेल किन्ना महंगा तुहाडे गैस किन्ने महंगे तुहाडा पेट्रोल डीजल किन्ना महंगा हर चीज महंगाई दी मार नूं समझणगे बांह फड़नगे। लेकिन अफसोस कि 3 महीने हो गए वड्डे वड्डे इश्तहारां ते वड्डी वड्डी गल्लां दे सिवा मैनूं तां कुछ नजर नहीं आया। अज मैं हल्के च घूमदी हां ते जिथे देखदी हां
पांच मरले प्लॉट गरीबां नूं, मेरा मकान मेरे नाम। इत्थे बथेरे गरीब बैठे होणगे, आ मेरियां भैणां हैगियां, आ पिछे हटो जरा, भैणां कि मैं झूठ कदे नहीं बोलदियां। मैनूं दसो मेरी भैण, थानू पांच मरले का प्लॉट मेरा घर मेरे नाम किसी नूं मिलिया है मकान? एक बंदा दस, जे नहीं मिलिया तां ऐ करके दसो, नहीं मिलिया ते फिर इन्ने वड्डे क्वाटे पैसिआं दे नाल करोड़ां दे इश्तिहार, चलो इन्हां नूं नहीं, शायद किसे बंदे नूं मिलिया होणा। आ दसो इत्थे कोई हैगा इस पिंड च, या थोड़े इलाके च, थोड़े रिश्तेदार च, थोड़े जान पहचान च? दसो बुजुर्गो, तुसीं वी झूठ नहीं मारदे कदे, कोई हैगा थोड़े जान, थानू मिलिया पांच मरले का प्लॉट? थोड़े रिश्तेदार च मिलिया, आंढ गवांढ च मिलिया, जान पहचान च मिलिया, नाल दे सूबे च, नाल दे पिंड च किसे नूं मिलिया? ते फिर इह झूठा मुख्यमंत्री राजे तों फर्क किवें हैगा? कहिंदा मैं 36,000 कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करता। 36,000 पंजाब च, इत्थे भी किन्नी जनता बैठी है, तुसीं भी बथेरे हजारां बंदिआं नूं जानदे होवोंगे कि थोड़े पिंडां च एक भी कच्चा जिहड़ा पक्का होया है? एक? चलो थोड़े पिंड च नहीं, थोड़े कोई पंजाब दे किसे रिश्तेदार दा कोई जवाक थानू पता है कच्चा जिहड़ा पक्का है? जे कच्चा कोई पक्का होया, फिर थोड़े पैसिआं दे नाल पूरे पंजाब परचे इश्तिहार किवें लाए होए ने? हर पक्षों हर चीज का झूठ। मेरे इलाके च इन्ने वड्डे इश्तिहार 3 महीने, जिस दिन बनिया हफ्ते बाद नरमे दा टुकदा मुआवजा। मैनूं नहीं पता इत्थे नरमा किन्ना हुंदा है, लेकिन मेरे इलाके च तां हुंदा ही नरमा हैगा। हजारां किसान दी तुसीं टेलीविजन ते देखिया होणा, पकी पकाई फसल सारी पटनी पई गुलाबी सुंडी करके। टुकवा मुआवजा दा की देना सी? अज तक ध्वनि नहीं आई किसे किसान नूं इन्ने वड्डे वड्डे इश्तिहार। ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀਟਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਗੀਜ਼ਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਜਾਪਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਾਏ ਤੋਂ ਵਾਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਪੜ ਵੀ ਲਾਓ ਹੁਣ। ਯੈਸ ਚੀਟਰ 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 ਝੂਠਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਦਾ ਐਮ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਪਾਪ। ਉਹ ਕੱਪੂ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਸੋ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਉਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂ, ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ?